तो तो कल ही था कितने कि लोग लोगों को मोटिवेशन की नीड थी क्योंकि हमको पता ही नहीं चल पाता है कि वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं तो आज ना मेरे पास टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का डेटा आ गया क्योंकि आरटीआई से निकल गया तो डेटा आपके पास टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का आ रहा है और मेरे पास जो एक डेटा है आपके पास तो एक बार चेक कर लीजिएगा डेटा आपके पास मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को ठीक है तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग होने वाले हैं हैं कितने 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 लोग 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 हो रहे 2023 में मतलब रजिस्ट्रेशन किए उसमें से होंगे वो तो नंबर एग्जाम देने के बाद पता चलेगा अभी तो एग्जाम हुआ नहीं है तो अभी कितने लोग रजिस्टर्ड कर चुके हैं गेट का फॉर्म वो आपको मैं बता देता हूं ठीक है तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे तो गुड आफ्टरनून एवरीवन जस्ट

ये आरटीआई का आपके पास आरटीआई से जो डाटा है आपके पास जो हमारे काम का है नॉर्मली हमारी जो ब्रांचेस वाले लोग हैं एक ये सिविल ब्रांचेस का अगर मैं आपको फिर मैं पूरा मैं से टेबल में बना के लाया हूँ वो भी आपको दिखा देता हूँ अच्छा ये है ना ओके ओके तो आ, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं डाटा में आपके पास अगर मैं को दिखाना चाहता हूं तो देखो डाटा में आपके पास क्या-क्या है

और जो पेपर टू दे रहे वो सात हजार दो सौ अट्ठावी मतलब ये लोग सात हजार लोग हैं ईसी डबल लोग <coughs> सॉरी तो सात और चार ग्यारह मिला के लगभग ग्यारह हजार पांच ग्यारह हजार सात सौ के आसपास लोग एग्जाम देंगे अगर ईसीओबल को मिला लिया जाए तो ये ईसी को मिला दिया जाए तो आईएन का पेपर जो देंगे तो पेपर वन है पेपर वन में मतलब जो पेपर वन है मतलब आई ब्रांच वाला पेपर वन भरा होगा तो सोचो इंस्ट्रूमेंटेशन के सिर्फ चार लोग दे रहे एग्जाम तो मैं वैसे भी बोला था कि इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट का इंटरेस्ट बड़ा कम हो गया पूरे इंडिया से सिर्फ चार लोग जो आई ब्रांच से पेपर वन दे रहे हैं पेपर टू में सात है इसका मतलब है कि अगर दो पेपर देने का ऑप्शन नहीं मिलता तो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से गेट का पेपर में सिर्फ चार लोग अपियर होते पता आपको और कुछ समय के बाद ये पेपर बंद कर दिया जाता है ये ये सिचुएशन आ गई है इसको आप देख सकते हो कि चारों साइड इतनी ज्यादा नेगेटिविटी की बातें होती रहती कि लोग है कि लोगों को लगता है क्या होगा पता नहीं कुछ करके कुछ होगा कि नहीं क्योंकि चारों साइड जैसे वो, वो जैसे वो फैला हुआ है ना स्प्रेड हो चुका है कि बॉलीवुड वाले लोग अच्छा अच्छा नहीं बनाते इगोइस्टिक लोग होते हैं होते होंगे लेकिन सब नहीं हो सकते अच्छा मूवी नहीं बनाते नहीं बनाते होंगे सब लोग खराब मूवी बनाते ऐसा नहीं तो एक बार स्प्रेड हो जाता ना नेगेटिविटी तो फिर उसके बाद आसान नहीं होता है फिर वही बाय बाट मूवी टाइप का जो चल रहा है ना इसको उट करो पठान को बाइकआउट करो और जितना भी चलता रहता है तो मैं बोल रहा हूं कि यही ना नेगेटिविटी हमारे गेट इंडस्ट्री में हो चुकी है है यार गेट करके क्या क्या होगा तो ये ना क्या करता है कि नॉर्मल पर्सन जो 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 सोच ही रहा था गेट गेट करने करने का उसको चार लोग बोले भाई से क्या होगा बोल रहा है उसको कुछ नहीं पता गेट क्या होता है जो जो बोल रहा है उसको नहीं पता उसको बोल दिया जाए कि भाई एनयूएस मतलब क्या होता है बताओ एनयूएस एनयूएस को यूनिवर्सिटी है क्या उसको क्या पता कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एनयूएस होता है करके

दो पेपर देने का ऑप्शन नहीं था तो एक्सी में कोई अगर बहुत अच्छा स्कोर कर भी लिया तो थोड़ी कोई कोई बड़ी बात है अब कोई में AIR 1 आ गया भाई मैकेनिकल मैकेनिकल और अलग अलग चीज है यार में एक लाख लोग एग्जाम देते हैं कोई एक्सी में टॉप आ गया एक दो बार मैं बोला भी वीडियो तो कुछ लोग बोलते रे सर आप ऐसी बात करते हैं तो मैं बोल रहा हूँ यार अब आपके पास पी में दो हजार चौदह लोग दे रहे हैं अब इसमें कोई ए आई वन आ गया ये एन में टू नाइनटी फाइव लोग दे रहे पता पेपर तो इसमें ए आई वन कोई आ गया है ए आई आर वन आ गया तो थोड़ी कुछ हो जाएगा यार कि ए आई आर वन आ गया ये आपके पास एक हजार चार सौ उन्तीस में कोई एआईआर आई वन आ गया तो नंबर बड़ा हो लोग ए आई वन जब कोई बोलता है जैसे अंकित गोयल सर ए आई वन है तो भाई प्योर कोर इलेक्ट्रिकल में ए आई वन दो बार लाए तो ए आई वन टू टाइम्स लाए तो ये ये एकदम डिफरेंट बात है लेकिन कोई चार हजार दो हजार लोग देते हैं वहां पे ए आई वन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता ठीक है इसको कोई अदरवाइज ना ले कोई ले रहा है तो सॉरी इसके लिए लेकिन सच यही है ओके चलो अब क्वेश्चन क्या है कि मैं आपको दिखाता हूं कल ही बता रहा था अगर आप कंपेयर करोगे कि देखो यार एक लाख छत्तीस हजार लोग फॉर्म भरे थे सिविल के इस बार फॉर्म सिर्फ एक लाख चार हजार सात सौ बयानवे लोग भरे लगभग कितने लोग कम हो गए सोचो आप सर ये तो तीस हजार से ज्यादा लोग ए, मतलब जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वही कम हो गए इसका मतलब है ये कितने लोग देंगे सोचो ये नंबर अभी खाली है क्योंकि अभी एग्जाम देने लोग गए नहीं है ये नंबर खाली है में एक लाख छब्बीस हजार लोग रजिस्टर्ड थे 2022 में इस बार यह नंबर आपके पास पता है इस बार ये नंबर सिर्फ एट्टी रजिस्टर्ड हो रजिस्टर्ड इसलिए इसके दो पेपर नहीं हो रहे ये पेपर दो इसलिए हो रहे क्योंकि इसमें एक लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स है पता सिविल के सिर्फ दो पेपर हो रहे इस बार बाकी सब के एक पेपर है क्योंकि कोई भी ब्रांच में

ये डेटा आ क्यों रहा है ये डेटा ऐसा क्यों आ रहा है मैं बोल रहा हूं कि ये डेटा इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि वो जो बायकॉट बॉलीवुड वाला माहौल है ना वही गेट में माहौल है कि गेट करने से क्या होगा आप कॉलेज में जाते हो कॉलेज का टीचर आता है छोटी सी बातें करता है कुछ भी पूछोगे फर्स जाएगा नाइनटी परसेंट टीचर फर्स जाएंगे कुछ भी थोड़ा सा भी कंसेप्चुअल पूछोगे लेकिन फिर भी वो डायलॉग मारता है क्या करोगे यार गेट करके कितने लोग गेट कर रहे हैं अच्छा तू कितना तेरा परसेंट आया था पिछले सेमेस्टर में सर इतना आया था ट करेगा कॉलेज से कोई गेट निकाला है मेरा कितना आया था मैं बार गेट दिया, लेकिन गेट नहीं निकला अब ये टीचर जो पांच बार गेट दिया गेट नहीं निकला बोल रहा है अब वो स्टूडेंट को डिमोटिवेट कर रहा, और वो से हो जा रहा है पांच बार गेट नहीं निकला जिसको कुछ पूछ लिया जाता है वो आंसर नहीं दे पाएगा डायलॉकबाजी मार रहा है खड़े होकर क्योंकि टीचर है ये सच है यही हो रहा है इंडिया में तो क्या हो रहा है अब अब वो अपने सीनियर से पूछ रहे जो सीनियर ना तीन साल तक सिर्फ जिंदगी को जिया है, रात रात भर ढाबे में बैठ के पार्टी किया वो सीनियर्स को गाइड करे गेट करने से क्या होगा तो मैं बोल रहा हूं कि हम बात जो सुनते हैं ना वो किसकी सुनते बहुत मैटर करता है किसी एक्सपर्टीज की बात सुनना चाहिए जो जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं उनकी बात सुनना चाहिए क्योंकि नंबर बड़ा छोटा है अब आपके पास सपोज करो एक, एक उस व्यक्ति से क्रिकेट कोई आप, आपका ड्रीम है जिंदगी में इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलना आप उस व्यक्ति से पूछ रहे हो जो व्यक्ति रणजी ट्रॉफी तक मैक्सिमम खेला फिर बोले क्रिकेट पागल है क्रिकेट क्रिकेट खेल के क्या करेगा इंडिया के लिए खेलना समझ रहे भाई रणजी ट्रॉफी तक ही खेल पाएगा अपने स्टेट से रणजी ट्रॉफी से ज्यादा किसी का नहीं होता है अब ऐसे पांच लोग बोल देंगे तो उसका ड्रीम तो खत्म हो जाएगा इंडिया के खेलने के लिए है पता देखो तब सोर्स लगता है भाई वहां खेलने के लिए कुछ काम नहीं आता कितना भी अच्छा आप खेलते हो सोर्स है तेरा है तेरे पापा मंत्री है क्या नहीं है तो कैसे खेल पाएगा ऐसे डिमोटिवेट करने के लिए चारों साइड लोग अवेलेबल है वैसा ही हमारे साइड में भी लोग ज्ञान देते हैं जिनके पास सच में ज्ञान नहीं है और एक स्टूडेंट बातों को सुन लेता है सोशल मीडिया में दाओ देखो लोग लोग लो अपने पॉइंट्स लिखेंगे में आपके पास पॉइंट लिखेंगे किसी की इंग्लिश अच्छी है तो उसको मन करता है खूब इंग्लिश लिखूं क्योंकि मैक्सिमम लोग की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उसको लगता है कि अपना इंग्लिश झाड़ दू क्योंकि उसको पता है कि ज्यादातर लोग का उतना अच्छा नहीं होता है राइटिंग स्किल अच्छा नहीं होता है कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होता है तो फिर अगर व्यक्ति का अच्छा है तो उसको आता है नहीं आता है, मैटर नहीं करता है वो कुछ ना कुछ 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 ना ना बोलेगा लिखेगा और कई बार एक नॉलेजेबल व्यक्ति अच्छा बोल नहीं पाता अच्छा लिख नहीं पाता तो वो चुप रहता है ऐसा ही तो हम वहां तक पहुंच नहीं पाते सही बातों को अब मैं देखो सी में देखो अभी आप सोच रहे होंगे कि सर सी में तो पूरे के पूरा सर इंजीनियरिंग कॉलेज सीएससी से भरा है अगर आपका कोई भी भाई कोई भी

अच्छा सिलेबस क्या होता का और का? सी है आ, और सीएस का दुनिया की ऐसी नहीं, नहीं चाहिए क्यों नहीं चाहिए सर क्यों नहीं सर सीएस अच्छा लगता है चार लोग मेरे को बोले मेरे पड़ोसी लोग सीएस लेना है अब सीएस इतना सारा लोगों को दे दिए कि सॉफ्टवेयर कंपनी वाले भी टेंशन में आ जाएंगे उनको जितने की रिक्वायरमेंट है उससे दस पचास गुना सौ गुना लोग सीएस वाले लोग रहेंगे फिर फिर बाद में फिर जॉब की किल्लत फिर बोलोगे यार अब सीएस में कोडिंग करके भी प्रॉब्लम हो रही है अरे कितने दुनिया में लोगों को सीएस वाले चाहिए रहेंगे प्रॉब्लम हिंदुस्तान में वही है

के आपके पास लोग एग्जाम एपियर्स होने वाले तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो टीचर होगा उसको ज्यादा पैसा कोई क्यों देगा है? क्योंकि ज्यादा बच्चा जब देगा नहीं तो उससे मार्केट में पैसा नहीं आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स से तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले टीचर हो तो और प्रेशर में आ जाएंगे थोड़े दिन बाद अगर ये बीस हो गया पांच हो गया तो आपकी जो सैलरी ज्यादा है उसका क्या होगा है जो सैलरी ज्यादा है आपकी उसका क्या होगा है तो सोचना पड़ेगा ना दूसरा बिजनेस भी लोगों को तो लोग प्रेशर में आते जा रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं कि पूरे टीचर कम्युनिटी को ध्यान देना चाहिए कि भाई साहब चीजें निपटने वाली है आप सही अवेयरनेस वाली चीजों को और स्प्रेड करो स्प्रेड सही चीजों को करना वो जरूरी है अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अगर में सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट हुए तो क्या वो सेमी कंडक्टर क्या नहीं नहीं यार ऐसा नहीं होता सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है तो हमारे यहां भेड़ चाल चल रही अब सोचो कंप्यूटर साइंस वाला एक लाख पंद्रह हजार चार सौ अट्ठावन लोग रजिस्टर्ड लोग थे और इस बार नाइनटी सेवन थाउजेंड है ये इतना बड़ा नंबर गिरा नहीं लेकिन गिरा है

क्राइटेरिया प्लेसमेंट की क्या पॉसिबिलिटी है लोग ये नंबर को ऐसे देख रहे हैं ये और बाकी जगह तो नेगेटिविटी बहुत है है में में कम से कम से पब्लिक पॉजिटिविटी किस बात को है, लो जिंदगी बन जाएगी ऐसा है नहीं लेकिन फिर भी सीएस लो जिंदगी बन जाएगी फिर जब गेट की बारी आ रही तब तक तो चीजें और कम होती जा रही है ये तो प्रॉब्लम मैं ये बता रहा हूं आपके पास की प्रॉब्लम ये हो रही है यार प्रॉब्लम ये हो रही है ये नंबर देखो ना आप यार ये डरावने नंबर है ये डरावने नंबर है एक मैकेनिकल का टीचर क्यों नहीं डरेगा जब चालीस हजार लोग सिर्फ रजिस्टर्ड कम हो गए क्यों नहीं डरेगा बताओ ये देखो इसमें बत्तीस हजार लोग कम हो गए सिविल में सिर्फ रजिस्टर्ड अभी तो ये नंबर डरावना नंबर आएगा कि कितने लोग एग्जाम देने जाते हैं ये नंबर तो अभी तक आया नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का तो हालत देख रहे हो अस्सी हजार से फिफ्टी थ्री थाउजेंड इलेक्ट्रिकल नाइनटी सिक्स थाउजेंड एट फिफ्टी लोग इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अपनी अपना बना के रखे रहो सब लोग बड़े जल्दबाजी में मत रहो इसलिए अच्छे लोग अच्छे लोगों का सिलेक्शन रखे रहो पता चला कि चीजें खत्म हो गई तो फिर क्या होता है जब चीजें खराब होती है तो कोई दुनिया में आपका साथ नहीं देता सिर्फ गुड आपका जो आप क्रिएट करके रखे हो वो चीजें आपके लिए काम करती है थोड़ी सी अब देखो है है पता है कितने रजिस्टर्ड लोग हुए जबकि इलेक्ट्रिकल में कोर इतनी पॉसिबिलिटी है उसके बाद भी लोग 96,000 से 69,000 आ गए नाइनटी सिक्स थाउजेंड से छब्बीस हजार लोग कम रजिस्टर्ड हुए छब्बीस हजार लोग अब सिक्सटी से कितने लोग एग्जाम देंगे बताओ पचास हजार पचास हजार अब टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में अगर पचास हजार लोग एग्जाम दिए तो फिर ये टू थाउजेंड चौबीस और पच्चीस में क्या होगा तो मैं बोल रहा हूं कि समझना जरूरी है एक्सी में नंबर ये गलत नंबर आपको इसलिए लग रहा होगा कि चार हजार पांच सौ चौबीस कैसे हो सकता है क्योंकि पेपर वन

ठीक है नंबर छोटा ही था ना नंबर अभी भी छोटा है लेकिन ठीक है मैं बोलूंगा कि सबसे अच्छा पोजिशन तो केमिकल का है केमिकल में ड्रिप नहीं है, है? केमिकल में ड्रिप नहीं है केमिकल का सबसे अच्छा पोजीशन बाकी जगह कितना ड्रिप्ट है यार और आप एस्पिरेंट जो लोग हैं पता है आपके पास आप एस्पिरेंट जो लोग हैं आप ये समझ ही नहीं रहे हो कि पता है आपके चा, इसको 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 क्या बोलते हैं अगर मैं बोलूं कि सर ये तो डीमोटिवेशन है कि मोटिवेशन है कोई स्टूडेंट बोले कि सर आप ये जो बता रहे हो इसको मैं कैसे लूं इसको मैं मोटिवेशन के तरीके से लूं कि लोग कम हो रहे किसको मैं डीमोटिवेशन के तरीके से लूं कि सर लोग कम हो रहे मतलब सर गेट अच्छा नहीं है कैसे लूं सर इसको मतलब मैं एक्चुअली स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू तो डराने वाला है उसको तो सोचना चाहिए कि पता नहीं क्या होगा करके इसलिए बोल रहा हूं कि आप एक दूसरे को कुछ कुछ बोलते बोलोगे कुछ लोग मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हैं भाई सब निपट जाओगे यार जबरदस्ती मेरे खिलाफ वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ कि टीचर लोग को ये समझना पड़ेगा नंबर देखना चाहिए ये नंबर देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि चीजें बहुत गिर रही है

इतने लोग अगर कम हो रहे मेरे को ना ये देख के नंबर देख के वो स्टूडेंट के जो ओपिनियन वो ओपिनियन जिसमें कि सर कम हो रहे तो सर कुछ तो बात होगी ना सर तभी तो कम हो रहे नहीं तो क्यों कम होते वो गोविंदा और कादर खान की एक मूवी थी उस उस, उस उसका ढाबा था उसका होटल था फाइव स्टार होटल इसके ढाबे के पीछे नीचे लाइन लगी हुई थी तो बोले कि यार इतनी लाइन लगी तो खाना अच्छा ही होगा ना जहां लाइन लगी रहती खाना वही अच्छा होता है नहीं ये तो हम मान के चलते हैं ना आपके पास ये 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 ये, ये हमारा स्टेटस है तो नेगेटिव थॉट इसमें से क्रिएट किया जा सकता है स्टूडेंट सोचे नेगेटिव नेगेटिव थॉट थॉट चाहिए सर मेरे को चलो मैं दे रहा हूं, देख इतने लोग अगर कम हो रहे तो कुछ तो बात होगी तो फिर आप भी कम हो जाओ अब आप अगर रजिस्टर्ड करे भी हो तो इतने सारे लोग तो एग्जाम देने नहीं गए थे ये देखो इतने सारे लोग एग्जाम देने नहीं गए थे लास्ट ईयर आप भी मत जाना तो कितनी अच्छी बात है हाँ सर मतलब क्या गलत है सर हजारों हजारों लोग लास्ट ईयर एग्जाम देने नहीं गए फॉर्म भरने के बाद आप भी मत देने जाना जो लोग फॉर्म अभी तक नहीं भरे जब अगले साल जब प्रिपरेशन करेंगे तो आप आप मत करो गेट की प्रिपरेशन क्योंकि सर नंबर कम हो रहे क्या करेंगे सर गेट की बोला भाई निकालो उसकी हिस्ट्री निकालो वो क्या क्या किया पिछले दस साल में देखो कितने बार गेट दिया और क्या क्या पेपर पब्लिश किया और कितना बेहतरीन पढ़ाता और कितना डेडिकेटेड है कॉलेज के लिए और क्या आपको प्रोवाइड करता है क्या आपको मोटिवेट करता है क्या आपके लिए करता है सोसाइटी के लिए क्या करता है देखो जरा जो बोल रहा है कि गेट करने से कुछ नहीं होता पता तो करो एक बार इसलिए किसी की भी पॉइंट ऑफ व्यू को मत रखो कि कोई क्या बोल रहा है पॉजिटिव पॉइंट मैं मैं अगर इस पॉइंट को देखू तो मैं पॉजिटिव पॉइंट ये ढूंढता हूं कि ये वो टाइम है जहां पे लोग नेगेटिव है आप अपना रास्ता बना लोगे क्योंकि पता नहीं हो सकता बाद में लोग पॉजिटिव हो जाए और लोग सोचे गेट करना गेट करना ये तो ट्रम्प कार्ड होता है अभी देख लोगों के पास जीत पाएगा वही है खरगोश का सोना का जीतना लोगों का डिमोटिवेट होना और कुछ अच्छे स्टूडेंट का जो उनसे भी अच्छे स्टूडेंट है जो डिमोटिवेटेड है या नेगेटिव है तो वो लोग अपना रास्ता बना ले इट्स गुड न्यूज फॉर गुड एस्पिरेंट और एक अगर बहुत इंटेलिजेंट एस्पिरेंट नहीं है लेकिन वो स्मार्ट इंटेलिजेंट तो होना इतना आसान नहीं होता बट वो स्मार्ट है वाला है उसके पहले फायदा उठा ले नहीं हम्म तो मैं यही बोल रहा हूं आपके पास कि इसको पॉजिटिव वे में लो ठीक है इसको पॉजिटिव वे में लो आप किसको मतलब ये मेरा ओपिनियन अब चॉइस तो आपकी है ऐसा तो नहीं मैं बोलूंगा गेट दो तो सब गेट देंगे मैं बोलूंगा मत दो तो नहीं देंगे ऐसा तो होगा नहीं सब सब कोई ऐसा तो है नहीं है मेरा बेटा खुद क्लास फोर्थ में तो भी वो अपने डिसीजन खुद पहले सोचता है और फिर लेता है और आप तो इंजीनियर हो तो मेरे बोलने से आप कर लोगे या मेरे बोलने से नहीं करोगे ऐसा बिल्कुल नहीं है इतना आप स्मार्ट हो बट मेरा अपना एक ओपिनियन है वो कर देता वो आपको पसंद आता है इट्स ओके नहीं पसंद आता तो भी कुछ कर नहीं सकता इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये वो टाइम है जहां पर लोग ना नेगेटिव इन्वायरमेंट के अराउंड में है क्योंकि पॉजिटिव बातें कम है वैसे भी इन जनरल भी पॉजिटिव बातें कम है लोग बोल रहे यार पता नहीं कल का क्या भरोसा करके कोरोना पिछले बार इतने लोग निपटते थे इस बार भी निपट गए तो जिंदगी जी लो क्या तुम बैठ के पढ़ाई कर रहे हो घर में बैठ के सॉल्व कर रहे हो फॉमूला लगा रहे हो पता है कि कल क्या होगा करके है तो ये एक थॉट होता है दूसरा थॉट कुछ लोग कुछ बात नहीं करते उनको पता है कि हमको करना क्या है वो वो दूसरी बातों में नहीं आते तो मैं बोल रहा हूं कि इससे आप ये निकाल सकते हो कंक्लूजन कि जब ये टाइम चल रहा है जिसमें लोग रजिस्टर्ड होकर अपियर नहीं हो रहे और रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड स्टूडेंट है टू के इतना बड़ा नंबर गिर चुका है तो भाई आपका कॉम्पिटिशन बड़ा छोटा होगा कॉम्पिटिशन बड़ा छोटा होगा रेस में कितने लोग दौड़ रहे वो इंपॉर्टेंट नहीं है कितने लोग एफिशिएंटली दौड़ रहे पता चला अगर वो पहले से ही अगर वो इंजर्ड लोग हैं तो इंजर्ड लोग अगर बहुत ज्यादा है तो सिर्फ फिट वाले लोगों के बीच में होगा और जो फिट वाले लोग है, वो कम है।, फिट वाले लोग कम है तो आप अगर फिट हो तो आप उस दौड़ में सही तरीके से जीतना ना जीतना है आप आप फिट हो तो और भी लोग फिट है लेकिन प्रोबेबिलिटी आपके साइड में है क्यों क्योंकि फिट वाले लोग कम है वैसे ही एक डेडिकेटेड एस्पुरेंट क्या बहुत कम लोग हैं यूट्यूब में इतना से दिन भर लोग पढ़ा रहे हैं क्योंकि क्या करें मतलब और कुछ कर नहीं सकते ना भाई पढ़ाना तो एक टीचर वैसे भी देखो कितना डर रहा है जान लगा दे रहा है कुछ भी पढ़ा रहा है अभी कैसे करे तो अभी अब जान लगाना पड़ रहा है ना देखो ना अभी नंबर देखो ना यार अब ये तो सच्चाई है नंबर ही कम है अभी एक दो साल के बाद लोग अपना बिजनेस चेंज कर लेंगे पता आपको अगर ये नंबर ऐसा डरावना रहेगा तो दो तीन साल के अंदर तीन साल के अंदर में लोग अपना बिजनेस चेंज कर लेंगे लेकिन मेरे को ये पता है कि ये ना इसको सही तरीके से अगर एक स्टूडेंट लेगा ना तो पॉसिबिलिटी है और साइकिल ना चेंज होते जाता है अभी चेंज नहीं हुआ बहुत समय से ट्रेंड चल रहा है कम कम होने वाला, कम होने वाला वाला अभी आप देखेंगे इस बार इस बार जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे आई आर एम एस का रिजल्ट जब आएगा जब सिविल सर्विसेज एग्जाम का रिजल्ट आएगा आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम में इलेक्टिव इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट लेने वाले लोग ज्यादा सिलेक्टेड दिखेंगे देखिएगा दो साल के अंदर में देख लीजिएगा जो अभी प्रिपरेशन करना चालू किया देखिएगा सब बताऊंगा मैं आपको समय के साथ साथ तो ऐसा नहीं है चीजें चेंज होगी ठीक है चीजें चेंज होगी बट यह है कि वो सही चेंज को आप सही तरीके से यूज करते हो कि नहीं ऐसा तो नहीं कि आप पब्लिक बन जा रहे हो और इन्हीं लोगों में शामिल हो जा रहे हो है? तो मैं यही बोल रहा हूं कि आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है क्या कि आप ना अपनी प्रिपरेशन लेफ्ट मत करो क्योंकि जरूरत ही नहीं लेफ्ट करने की क्यों ऑलरेडी लोग फिट है ही नहीं एग्जाम देने के लिए ऑलरेडी लोग मोटिवेटेड है ही नहीं बहुत सारे लोग तो घर से निकलेंगे लेकिन सेंटर तक जाते तक अपना माइंड चेंज कर लेंगे और सेंटर के सामने खड़े होकर सोचेंगे एग्जाम देने जाऊं कि नहीं और यकीन मानो कुछ लोग रास्ते से वापस लौट जाएंगे कुछ लोग घर से ही नहीं निकलेंगे कुछ लोग सेंटर के बाहर से वापस आ जाएंगे सोच रहे हो तो ये नंबर तो बढ़ते जा रहा है अरे नंबर बढ़ते जा रहा है जब एग्जाम एग्जाम में जब रजिस्टर्ड ही नहीं हुए तो नंबर कैसे बढ़ेगा ये रजिस्टर्ड जो स्टूडेंट है वही कम हो गए तो तो चारों साइड जो हवा है ना वो नेगेटिविटी की हवा है इस नेगेटिविटी की हवा में अपने आप को आप बचा लो तो आप सक्सेसफुल हो जाओ इस नेगेटिविटी की हवा से क्योंकि इससे बच पाना बड़ा मुश्किल ऑनलाइन का जमाना है ऑनलाइन का जमाना है है वॉट्सअप यूनिवर्सिटी में सिर्फ फेक न्यूज आती है यूट्यूब में भी आधी चीजें फेक है इससे अपने आप को आप बचा लोगे सही तरीके से अपनी स्टडी पे फोकस करके आप गिनने गिनती के लोगों में शामिल रहोगे अब आप अपना रैंक हजार लाते हो दो हजार लाते हो सौ लाते हो ये तो अब आपकी कैपेबिलिटी और आपकी प्रिपरेशन लेवल पे डिपेंडेंट है लेकिन अगर आप गिव अप मार देते हो हो तो आप आउट ऑफ द बिल्डिंग जाओगे जैसे कल मैं बोल रहा था कल का मेरा वीडियो जो लोग रात को मैं कल ग्यारह बजे ग्यारह बजे सेशन था कल के रात के ग्यारह बजे वाला सेशन भी आप लोग देखे होंगे जो लोग नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा कल के रात के ग्यारह बजे जो मैं सेशन लिया था इलेक्ट्रिकल में सिर्फ सिक्सटी लोग ही रजिस्टर्ड मतलब ये जिस्टर्ड स्टूडेंटिप सिक्सटी नाइन थाउजेंड है मतलब जितने लोग पिछले बार एपियर्स हुए थे उतने लोग उससे भी कम लोग रजिस्टर्ड हुए जितने लोग जितने लोग पिछले बार अपियर हुए थे उससे भी थोड़े से कम लोग और रजिस्टर्ड हुए तो ये पचास हजार से ज्यादा लोग एग्जाम नहीं देंगे इलेक्ट्रिकल का अच्छा ऑफिशियल कॉपी अरे ऑफिशियल कॉपी है ये ऑफिशियल कॉपी ये दिस वन ये ऑफिशियल कॉपी इसमें सभी ब्रांच के पूरे पूरे ब्रांचेस का जितने भी ब्रांचेस है अल्फाबेट लेटर के के सभी ब्रांचेस बाकी ब्रांचेस की अपन बात नहीं करते नॉर्मली इतने, इतने रखता हूं तो पूरा आपको दिखाया चारे चार हजार चार सौ इक्कीस है इस टेबल के अंदर वैसे जो पेपर इसको टू लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल लेते आई एन का पेपर टू वो है सात तो लगभग ग्यारह हजार ये एड नहीं किया परफेक्टली अगर मैं ऐड कर लूं तो ये नाइन हुआ और ये हुआ दो और दो चार और कितना चार तीन सात और ये हो गया ग्यारह हजार तो ग्यारह सात सौ उनचास लोग आपके पास ये इलेवन थाउजेंड से आई एन के ब्रांच के लिए क्योंकि पेपर टू भी इंक्लूडेड है इतने लोग सबको समझ आ रहा है अभी का टाइम मैं आपको बार बार बोल रहा हूं अभी का टाइम क्या है बताओ आपके पास अभी आपको अपॉर्चुनिटी है जैसे अभी अभी हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चालू चालू हुआ मतलब चालू होने वाला है 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 आज आज की तारीख आई थिंक कल चालू होने वाला है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आई थिंक चौबीस से चालू होने वाला है. तो मैं भी कल से चालू हो रहा होगा मे भी मतलब इसी के आसपास डेट थी तो उसमें भी लोग रजिस्टर करते जा रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं पता आपके पास जो डेडिकेटेड और जो

आप ही लोगों में से मैकेनिकल के तीस लोग नहीं बनेंगे तो कहां से आएंगे दुनिया की दूसरी जगह से थोड़ी आएंगे तो मैं बोल रहा हूं हूं कि कि ये जो चल रहा है एक कॉपी होना चाहिए चाहिए के पास तो उसको लिखना मैं मैं क्या कर सकता हूं? मेरे में मैं कितना जबरदस्त जान लगा सकता हूं मेरे में कितनी कैपेबिलिटी है या मैं कितना इंटेलिजेंट हूं मेरे को लगता है ये सेकेंडरी फर्स्ट ये है कि मैं क्या एफर्ट लगा सकता हूं मैं अपने गोल को कर अचीव करने के लिए कितना डेडिकेटेड कि हो सकता हूं इन नेगेटिविटी जो दिन भर बोलते रहे और क्या होगा हमारा क्या होगा उनसे मैं अपने आप को कितना बचा सकता हूं इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि अगर आपका टेस्ट सीरीज में अगर स्कोर नहीं आ रहा है अगर आपका नहीं आ रहा है टेस्ट सीरीज में स्कोर तो भी आप उन लोगों से भारी हो जो एग्जाम ही नहीं दिए अरे जो एग्जाम ही नहीं दिए कल तो मैं आपको टेबल बताया था तो उसमें तो मैं आपको यह भी बता दिया था कि कल का मेरा वीडियो देखिएगा कल का वीडियो कितने लोग देखे मेरा वीडियो कल वाला रात के ग्यारह बजे वाला वो देखिएगा उस वीडियो में मैं बहुत गुड डिटेल दिया हूं उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग है ना टू एक्स की स्पीड से देख लीजिएगा लेकिन देखिएगा जरूर कल रात को ग्यारह बजे वाला जो मेरा वीडियो था उसमें मैं बहुत सारी बात किया और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को लग रहा था कि सर मैं छोड़ दूं क्या अभी चालीस दिन में क्या ही होगा मेरा मैं उन लोगों को फोकस किया नाइनटी एट परसेंट लोगों दो परसेंट जो होशियार है उनको इग्नोर किया नाइनटी एट परसेंट लोगों को जिनको लग रहा है सर छोड़ दूं क्या अगले बार दूंगा ना सर चौबीस का एग्जाम उन लोगों के लिए बनाया वीडियो जो लोग भी नहीं देखे होंगे उसको जरूर देखिएगा ठीक है वो लोग जरूर देखिएगा जाके भी मिस मत कीजिएगा लिंक भी शेयर कर सकते हो कल वाला रात के ग्यारह बजे वाला जैसे कुछ लोग देखे भी बोल रहे है ना मैं बोल रहा हूं कि इस समय में क्या ये वो टाइम है ये वो टाइम है जहां पे लोग की सिचुएशन सही नहीं है लोगों फिट नहीं है मेंटली एग्जाम देने के लिए लोग मोटिवेटेड नहीं है अच्छा करने के लिए इसलिए जो मेरे को फॉलो करता होगा मैं उसको इसलिए प्रॉपर गाइड करता हूं कि कुछ लोगों की जिंदगी में बचा सकूं कुछ लोगों को गलत लाइन में जाने से पहले रोक सकूं जो जा चुका उसको वापस लेके आ जाऊं इतनी कैपेबिलिटी भी मेरे में नहीं है लेकिन जो जाने वाला उसको रोक सकूं भाई बाउंड्री पे रुक जा भाई रुक जा है जो जंप ही चुका है बिल्डिंग से उसको मैं कैसे रोक लू अब अब वैसा तो हूं नहीं कि बिल्डिंग से जंप मार रहा और मैं सुपरमैन से मनाऊंगा और उसको पकड़ लूंगा नीचे गिरने से जो जंप मार चुका वो मेरे हाथ में नहीं है उतनी पावर मेरे पास नहीं है लेकिन जो जंप मारने का सोच रहा है इस बिल्डिंग से कि सर कुछ नहीं हो रहा सर जंप मारता हूं सर जो डिसअपॉइंटेड है सर कुछ नहीं होगा सर सब लोग बोलते कुछ नहीं होगा सर भाई जब आप सब लोग बोलते हो ना तो नाम नोट किया करो उन सब लोगों का उन सब लोगों का नोट किया करो जब सोशल मीडिया में कोई अच्छा इंग्लिश लिखता है ना उसको जाके देखा करो कि वो पिछले एक महीने में क्या क्या लिखा है करके मैं बोल रहा हूं कि किसी भी बात को इतनी जल्दी से बिलीव मत करो आराम से अपने पॉइंट नोट करो क्या प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम चीजों को चेक करो तो यही बातें हैं दो तीन बार मैं चेक किया मेरे पास ये डेटा आया आर आई से एक जगह से तो मैं दो तीन बार क्रॉस चेक किया फिर भी मेरे को लग रहा था कि एक परसेंट एक परसेंट अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो जाए तो कई लोग तो मेरी जान ले लेंगे वैसे भी इतने सारे लोग मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं है? कुछ ना कुछ लेके देख के तो जान ले लेंगे फिर मैं श्योर हुआ कि नहीं ठीक है डेटा एकदम सही है नहीं तो कोई लग तो मतलब सर आप तो ये कर दिए वो कर दिए तो ठीक है मेरा काम है बस कुछ लोग को कुछ लोग जो विंडो से जंप मारने वाले हैं उनको बाउंड्री पे रोक सकूं कि भाई रुक सही जगह पे है स्टडी कर रहा है मार्क्स ही तो कम आ रहे ना इसके लिए कौन सी ऐसा हाय हाय तोबा मचाने की जरूरत है कर मेहनत कर देख कहां पे मार्क्स कम आ रहे कर क्योंकि वो नंबर छोटा है टेस्ट सीरीज को कोई अगर पता है आपके पास कोई मॉक टेस्ट पेपर दस देने वाले लोग और मॉक टेस्ट के पहले सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज देने वाले दस टेस्ट अगर मैं बोलूं ऐसे कितने लोग होंगे इस नंबर्स में मैं आपको एक मर्सी बताता हूं

मौस्पिड, मौस्पिड सब जानता होगा वो ऐसा सोच रहे लोग तो मैं पता पस, कितने लोग से? जो दस मॉक टेस्ट पेपर प्लस दस मतलब होंगे एग्जाम देने जा रहे होंगे क्या लगता है आपको नंबर कितना होगा बताओ चलो बताओ आप बताओ है चलो आप बताओ ये नंबर कितना होगा क्या लगता है आपको कितने लोग होंगे चलो बताओ जो पेपर देके जाएंगे एग्जाम एग्जाम के दिन बैठे रहेंगे दस मॉक टेस्ट पेपर देके और दस सब्जेक्ट वाइज बीस ओनली बीस ट्वेंटी पेपर ओनली ट्वेंटी पेपर अभी भी टाइम है अभी भी जनवरी चालू नहीं हुआ फरवरी में एग्जाम है कितने लोग आपको लगता है कि कितने लोग बैठेंगे है? इस चालीस हजार में से बताओ राजेश बोल रहे बीस हजार अरे बीस हजार पता है बीस हजार जितने हो गए इंडिया समझ रहे हो ना इंडिया चेंज हो जाएगा पूरा अरे इंडिया चेंज हो जाएगा इंडिया चेंज हो जाएगा इंडिया चेंज हो जाएगा पता है इस चालीस हजार में से मैक्सिम फोर मैक्सिमम है नंबर इससे ज्यादा नहीं हो सकता ये मैं क्लियर हूं कि चार हजार से ज्यादा नहीं हो सकता चार हजार से कम हो सकता तीन हजार पांच सौ हो सकते तीन हजार हो सकते मैक्सिमम बोलो मैक्सिमम तो जानते हो ना मैक्सिमम सिर्फ चार हजार लोग बस इतने ही लोग <laughs> तो आप अगर इतना अगर जा रहे पेपर पड़े हो पेपर पढ़े हो स्टडी किए हो 20 पेपर आप गेट 20 पेपर दे के टेस्ट पेपर दे के एग्जाम में जा रहे हो भाई साहब आप लगभग ना उन चार हज़ार लोगों में शामिल हो बस ये कोई बात बताता नहीं है सब लोग बोलते अरे कुछ नहीं होगा भाई कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होता गेट वेट से क्या ही करेगा पता नहीं और जिन लोगों को कुछ नॉलेज नहीं अरे ये टीचर लोग ना अपना पैसा कमाने के चक्कर में ये सब तुमको बरगला रहे हो हाँ भाई हमारे जितने स्टूडेंट पूरे दुनिया के कोई सिटी नहीं होगी वहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो सब बरगला ही रहे और वो पूरे लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं या तो झाड़ू पोछा लगा रहे है ना इतने सारे अठारह साल के इतने सारे पूरे दुनिया के हर कॉर्नर में स्टूडेंट्स है तो देखो बोलने वाले का तो कोई कोई रोक नहीं सकता बोलने वाले को आपको जज करना है किसको फॉलो करना है किसको नहीं करना फोर्स तो है नहीं आपको नहीं सुनना है हैं मत सुनो आपको नहीं सुनना है कोई बोलेगा सर झूठ बोल रहे हैं चार हजार लोग थोड़ी देंगे सर सर चालीस हजार लोग एग्जाम दे रहे हो तो कम से कम सर मतलब कैसी बात कर रहे हो सर थर्टी नाइन थाउजेंड लोग तो सर बीस पेपर दे रहे होंगे तो मैं क्या कर सकता हूं अगर कोई बोले कि नहीं सर चालीस में से उनचालीस हजार लोग तो सर बीस पेपर दे जा रहे होंगे तो मैं क्या ही कर सकता हूं किसी को रोक नहीं सकता बस इतना ही बोल रहा हूं मैं किसी को रोक नहीं सकता मैं बोल रहा हूँ दस हजार लोग दस लोग

मारते बेस्ट एफर्ट अब जैसे कि मैं अभी पेपर देख रहा था अभी हमारा हमारा ही ऑल इंडिया मॉक टेस्ट पेपर पेपर का एक था मतलब सच्चाई जो है बता देता हूं अब उसमें ना थ्री फेस में आरएमएस वोल्टेज पूछ लिया आउटपुट का लोड में अल्फा इक्वल टू सेवेंटी डिग्री के लिए अब अब पूछ तो लिया टेस्ट पेपर में <laughs> अभी आज ही मैं आज ही में देख रहा था पेपर जो हमारा ऑल इंडिया टेस्ट पेपर था अच्छा क्वेश्चन है कोई बात नहीं है गुड क्वेश्चन है लेकिन इसके चांसेस गेट में ना कम है क्योंकि

तो टेस्ट पेपर में तो ये क्वेश्चन रहेगा अब टेस्ट पेपर में आपका स्कोर नहीं आ रहा अब आपको पता ही नहीं कि आरएमएस वोल्टेज आपको लग रहा था, इजी तो था सर प्लस अल्फा वन फिफ्टी था सर सिंपल इंटीग्रेट करना था स्क्वायर करके भाई साहब आप स्क्वायर करोगे तो सोच रहे हो उसके बाद इंटीग्रेट करोगे तो आपके मार्क्स कम आते और आपको एग्जैक्ट रीजन भी नहीं पता फिर दो तीन पेपर देने के बाद आप अवॉइड करना चालू करते चल पेपर पेपर छोड़ गया देखा गया जाएगा एग्जाम के दिन तो लोग ना ये बीस पेपर बड़ा नंबर है मेरे को तो पता ही है बीस नंबर बीस बड़ा नंबर है

आपको नंबर दिख रहा है कितने लोग एपीएस हो रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं ये नंबर तो पता ही नहीं हमको अब मेरे नाम मार्क्स ग्यारह आ रहे अरे वो ग्यारह से इक्कीस होंगे थोड़ा मेहनत करो आप उस जगह तो हो एटलीस्ट जो बीस पेपर देके जाने वाले हैं अब आपको पता ही नहीं अब आप सोच रहे सर मेरा पंद्रह नंबर आ रहा है एक व्यक्ति परेशान है मेरा सर चालीस नंबर आ रहा है सर सर मेरा फोर्टी मार्क्स आ रहा है सर चालीस नंबर आ रहा है सर मेरा सर मेरा कुछ नहीं हो पाएगा मैं मन में सोचा चालीस नंबर आ रहा है तेरा अभी तो एक महीना बचा है लगभग चालीस पैंतीस चालीस दिन बच्चा चालीस नंबर आ रहा है सर मैं छोड़ दूँ क्या सर मेरे को लगा कि भाई तू आ मेरे पास आ एकदम खींच के एक मारता और समझाता कि भाई कौन तेरे को बोला कि चालीस नंबर आने के बाद को गेट का एग्जाम नहीं देना चाहिए छोड़ देना चाहिए सर चालीस नंबर आ रहा है मेरा क्या ही होगा सर उससे अच्छा तो गेट का एग्जाम नहीं देता तो तू क्या करेगा सर कुछ नहीं करूंगा लेकिन गेट का एग्जाम देके क्या करूंगा ये यहां तक नेगेटिविटी है यहां तक नेगेटिविटी क्या कर सकते हैं आप इतनी ज्यादा नेगेटिविटी क्या ही बोल सकते हैं उसको पता ही नहीं कि भाई साहब ये चार हजार लोगों में शामिल है थोड़ी सी मेहनत करेगा तो चार हजार को चार सौ भी बना सकता है लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि चार हजार से चार सौ बन जाएगा इसका दस परसेंट बनने के लिए भी तो मेहनत करना पड़ेगा ना बस अगर चालीस नंबर आ रहा है वो अगर रगड़ के मोटिवेटेड होकर पढ़ते रहे अगले चालीस दिन तक तो चार हजार चार सौ रैंक में कन्वर्ट हो जाएगा हाँ ऐसा कोई इंपॉसिबल तो नहीं है बट वही है उसको उसको पता ही नहीं, उसको लग रहा है। सर क्या ही करूंगा जिंदगी में कुछ नहीं होगा लोग बोले क्या ये सबसे कुछ नहीं होता है आपका अस्सी तो ही जिंदगी बनती है चालीस नंबर कौन बोला भाई सर वो मेरा फ्रेंड बोला अच्छा एक मेरा सीनियर बोला क्या करता हो सीनियर सर कुछ नहीं सर चार साल से सर बस ऐसे सर अबे तो उनकी बात थोड़ी फॉलो करोगे जो कुछ कर नहीं रहे हैं है? <laughs> उनकी बात थोड़ी फॉलो करोगे जो जबरदस्ती का ज्ञान दे रहे चाय ठेले पे बैठ के चाय एक की जगह तीन चाय पी रहे और दो की जगह चार सिगरेट पी रहे और आधे घंटे तक बैठ के ज्ञान दे रहे उनकी बात कौन करता है जिनकी बातें वर्थ नहीं है जो कुछ किए नहीं है उनकी बातों पर इतना फोकस मत करो आप अब अपनी लड़ाई लड़ो यार। मैंग सर हेलो तो मैं बस बस ये बता रहा हूं कि आप अपने से डिसीजन लो थोड़े स्मार्ट बनो आप खुद देखो डेटा दिखाने के पीछे इसको पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हो इसको नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हो डेटा दिखाने के पीछे रीजन है कि दो लोगों को बड़ा अच्छा केयर है एक टीचर कम्युनिटी को कि यार ये डेटा जो है डरावना है थोड़ा सा और एक एस्पिरेंट को रहे कि माहौल जो है वो खराब है लोगों के पास पॉजिटिव पैरामीटर्स नहीं है अपनी प्रिपरेशन के लिए एक गुड स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट नहीं है बट गुड है इस गुड किस लिए बोला थोड़ा मेहनत करता है कॉन्फिडेंस भी कम है लेकिन पढ़ता है क्वेश्चन सॉल्व करता है जिसको पता वो इंटेलिजेंट नहीं है बट उसके करने के भी चांसेस है क्योंकि कई इंटेलिजेंट लोग ना अपनी होशियारी में निकल जा रहे हैं उनको चार लोग बोल दिए अब कुछ नहीं होता रही क्या करोगे चल कोडिंग करते चल अपन कोडिंग चलते चल दो चीज कोडिंग करते करके वो गेट छोड़ के कोडिंग करने चला गया कर लो कोडिंग कर लो भाई कर लो कोडिंग कर लो तो बस ये सिचुएशन है हाँ, तो तो मेरा काम है आपको बताना तो मैं आपको अपडेट कर देता हूं ठीक है बाकी तो आप लोग की चॉइस है मैं मैं हर एक चीज में से देखो हर हर जो भी चीज होती है उसको आप पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं किए आप लोगों में से आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो आज होंगे होंगे लोग. लोग कि सर वो सिचुएशन फिर से आ जाए मैं फिर से हिस्ट्री में चले जाऊं पास्ट में और मैं सर उस पेंडेमिक में ना पावरफुल बनके बाहर निकलूंगा अब भाई फिर से पेंडेमिक सिचुएशन तो नहीं आएगा और सर आ भी गया तो जो लोग 99 परसेंट लोग पिछले पैंडेमिक में कुछ नहीं किए कसम से बोल रहा हूं इस में कुछ कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं हैं कुछ लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं। वो लोग तब ऐसी बात करते जो सिचुएशन उस समय नहीं होती काश वो सिचुएशन होती जब थी तब नहीं करते थे काश वो सिचुएशन आएगी अब जब आएगी तब देखना क्या होगा तो प्रॉब्लम ये है बहुत सारे लोग हाँ, जय आचार्य हाँ कम तो होगा बस आपको देखना रहेगा यार आप पॉजिटिव रहो बोला है पॉजिटिव रहो बस पॉजिटिव बेसिस पे की दुनिया क्या सोच रही कोई क्या नेगेटिव हो रहा है अपनी जर्नी कंटिन्यू करो जिंदगी में पाँच साल दस साल बाद जब आप कभी यूट्यूब में विजिट करोगे और देखोगे तो आपको लगेगा अरे तो ये तो माहौल जब आप स्टूडेंट थे आज से दस साल बाद अगर देख रहे हो तो आपको लगेगा अरे ये तो हमारे जमाने में भी माहौल चल रहा था हम लोग तो अच्छा करके निकल गए कई लोग तो उसी माहौल में है तो आप दस साल बाद जब देखोगे ना तो आपको लगेगा कि कुछ ही लोग गिनती के लोग ना इन सिचुएशन का फायदा उठा के आगे बढ़ जाते हैं और बाकी लोग तो पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते और जब उनको समझ आती है तब तक वो टाइम चला जाता है कीन मानिए तब तक टाइम चला जाता है क्योंकि सिचुएशन बहुत फास्ट चेंज हो रही है इस दुनिया में हर एक फील्ड में हर एक फील्ड में चाहे ऑनलाइन एजुकेशन हो कितनी जल्दी फटाफट चेंज होते जा रहा है सब कुछ क्योंकि लोग इतने जल्दबाजी में है लोग अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहते सिचुएशन को जब तक अंडरस्टैंड करते सिचुएशन चेंज हो जाती है ठीक है तो चलो फिर माइनिंग का भी देख लो यार यहां पे मैं माइनिंग का तो नहीं बताता हूँ यहाँ पे ये ये इसमें माइनिंग का भी होगा

मैं आपको समय समय पर गाइड करते रहूंगा और मैं जब तक हूं मैं आपके साथ में रहूंगा और प्रॉपर सही बात मैं आपको बताते रहूंगा आप इंटेलिजेंट नहीं हो कोई बात नहीं हम कौन से इंटेलिजेंट थे और कौन से है इंटेलिजेंट समझ रहे हो ना बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों को पीछे किया अपनी जिंदगी में तो इंटेलिजेंट ना तो हम थे ना तो है समझ रहे तो जो हम है वो है लेकिन जो लोग ना बिलीव करते खुद पे और अपना एफर्ट करते हो बहुत इंटेलिजेंट लोगों को क्रॉस कर डालते हैं बहुत सारे सबको नहीं लेकिन बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों को क्रॉस कर डालते हैं। मैं किया हूं तो आप भी कर सकते हो सिर्फ बिलीव सिस्टम पे काम करना पड़ेगा और अपने अराउंड की जो नेगेटिविटी है जब कोई बोलता है ऐसा नहीं बोल रहा है अवॉइड कर दो नेगेटिविटी को लेकिन जो बोल रहा है वो है कौन उसकी बात में दम होना चाहिए ना वो ट्रस्ट वर्दी है कौन है वो है अब आपके रिलेटिव में आपके चाचा बोल रहे हैं चाचा क्या इंजीनियरिंग में तो उनकी बात पे दम होगा आपके मामा बोल रहे मत कर गेट अरे पहले देख लो आपके मामा क्या किये हमको सोचना चाहिए उसके बिना तो सब मैटर नहीं करता ठीक है चलो आज के से से करता हूं। मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा और जितने लोग भी मेरे टाइप के हैं नॉर्मल लोग जिनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी होती जब मैं एस्पिरेंट था तो जिन लोगों को लगता है कि जिंदगी में सर पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा बिल्कुल ये सब मेरी बातें थी ऐसे एस्पिरेंट हम सब लोग उन सब इंटेलिजेंट जो एक्स्ट्रा अपने आप को होशियार समझते है एक दिन जब आप आज से आठ साल दस साल बाद देखोगे उन सबको आप क्रॉस कर सकते हो सेल्फ बिलीव छोड़ना मत अपना समझ रहे ना कि टेस्ट में सर मेरा इक्कीस नंबर आ रहा है सर मैं छोड़ दूँ क्या नहीं भाई खींचो खींचो एक दिन ना अच्छे अच्छे लोगों को निपटा देंगे अपन आगे बढ़ो इक्कीस नंबर आ रहे तो छोड़ो मत है ना बीस टेस्ट देके जाना जो मैं बोला हूँ उससे कम में एंट्री मत मारना एग्जाम में अब सर मैं तो उन्नीस दिया सर एग्जाम से बाहर आ जाऊं अब ये ये तो अति हो जाएगा कि सर एक पेपर कम दिया एग्जाम से बाहर आ ऐसा भी मत करना ठीक है बट बीस देने का ट्राई करना ठीक है चलो ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू लव यू ऑल टेक केयर बाय बाय जय हिंद